फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 63, जहां पर हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं उनको कब और किस कंडीशन में और किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य या फिर आदेशात्मक वाक्य। यानी कहने का मतलब ये था कि अब हम सामने वाले से कहने जा रहे हैं कि आप ऐसा काम करो, तो सेंटेंस तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। बट हर बार सामने वाले को हम ऑर्डर ही दें ऐसा जरूरी नहीं है। हम सामने वाले से रिक्वेस्ट या सामने वाले को किसी काम को करने की सलाह भी दे सकते हैं। तो माइंड कीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने यहाँ पर 6 स्ट्रक्चर आपके सामने लिख के रखे हैं और इतने में ही बात खत्म नहीं हो जाएगी। इसको लेक्सी बनाया जाएगा जिसको हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन क्या लिखी मैंने कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वर्ब, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको ऐड कर दीजिए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा होता कि अंग्रेजी बोलो, वहां जाओ, अंदर आ जाओ, यहां बैठो, वहां से कूदो, मुझसे बात करो, टीवी चालू कर दो, पंखा बंद कर दो, तो क्या आपने माइंड किया मैंने आपसे यही कहा है ना कि ऐसा काम करो। तो जब भी सामने वाले से कहा जाता है कि आप ऐसा काम कीजिए तो उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट वन यूज करना होगा। यानी सबसे पहले आपको वर्ब को पहचानना है, उसकी फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर दीजिए। ऑब्जेक्ट आएगा तो लिखिएगा और नहीं आता है तो मत लिखिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा और समझिएगा। तो अगर मैंने आपसे कहा कि दरवाजा, अगर मैंने आपसे कहा दरवाजा खोल दो या फिर दरवाजा खोल दीजिए, चाहे इसको हम दो बोले या फिर दीजिए बोले, बात तो एक ही है ना। आपको देखना होगा कि आप बात किससे कर रहे हो। अगर आप अपने बड़ों से बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि दरवाजा खोल दीजिए, और कोई छोटा है तो आप उससे बिल्कुल बोल सकते हो कि दरवाजा खोल दो। अब यहाँ पर हमें माइंड करना है कि ये जो सेंटेंस है ये यहाँ से बनने वाला है। यानी सबसे पहले हमें क्या रखनी होगी, वर्ब, जो कि यहाँ पर क्या थी, खोलना, और खोलना के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले, ओपन। इसके ठीक बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, द डोर। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर दा क्यों लगाया गया। तो फ्रेंड्स, जिस कमरे में मैं था उस कमरे का जो दरवाजा था वो तो निश्चित ही होगा ना। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ओपन द डोर तो इसका मतलब है क्या, इसी कमरे का दरवाजा खोल दीजिए। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट है कि ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए, कम टू मी, मेरे पास आइए, सिट हियर, यहाँ बैठ जाइए, गो आउट, बाहर जाइए, टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए, टीच मी, मुझे पढ़ाइए, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलिए, बीट हिम, उसे मारिए, पनिश हिम, उसे सजा दीजिए। तो अगर सामने वाले से कहा जा रहा है कि ऐसा काम कीजिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप जोड़ दीजिए, बन गया हमारा पूरा स्टेटमेंट। और फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को मैं रिक्वेस्ट के लिए बोलूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा, कुछ ऐसा ही बोलूंगा ना कि कृपया दरवाजा खोल दीजिए। अब इस कृपया के लिए हमें जो क्या करना होगा, प्लीज ऐड करना होगा। प्लीज आप चाहे पहले ऐड कर लीजिए या फिर सेंटेंस के लास्ट में ऐड कर लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कहता था ओपन द डोर प्लीज, तो भी हमारा सेंटेंस ठीक है। और अगर इसको ऐसा मैं बोलूं तो प्लीज ओपन द डोर, तो भी हमारा सेंटेंस क्या निकलेगा कि कृपया दरवाजा खोल दीजिए। प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठ जाइए। प्लीज गो आउट, कृपया बाहर चले जाइए। प्लीज वेट हियर, कृपया यहीं पर इंतजार कीजिए। तो आपको माइंड करना है कि अगर बात ऑर्डर की होगी तो प्लीज वगैरह मत लगाइए, और आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए तो आप वहां पर प्लीज को पहले या फिर बाद में ऐड करके बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा बोलूं कि दरवाजा मत खोलो, कुछ इस प्रकार का आपका सेंटेंस होता, दरवाजा मत खोलो। तो पहली कंडीशन थी जहां पर मैंने सामने वाले से कहा था कि ऐसा काम कीजिए, और अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ऐसा काम मत कीजिए। यहां पर भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो आपको माइंड करना है कि जब भी हम मत की बात करेंगे तो उसके अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या रखना होगा, डोंट। अब मैंने आपसे कहा दरवाजा ना खोलो, दरवाजा नहीं खोलो, दरवाजा मत खोलो, एक ही बात है। तीनों की अंग्रेजी बनाने के लिए आपको किसका यूज करना होगा, डोंट का। चाहे मत लिखा हो, चाहे ना लिखा हो, और चाहे नहीं लिखा हो। तो सेंटेंस हमारे पास क्या है कि दरवाजा मत खोलो, क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर डोंट लिखना है, उसके बाद फिर से हमें रखनी है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट को ऐड कर दीजिए। बन गया आपका पूरा सेंटेंस कि डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। और अगर इसको मैं ऐसा बोलूं कि प्लीज
डोंट ओपन द डोर तो हिंदी क्या होगी, कृपया दरवाजा मत खोलिए। प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठिए। प्लीज डोंट सिट हियर, कृपया यहाँ मत बैठिए। ऑन द फैन प्लीज, कृपया पंखा चालू कर दीजिए। एंड प्लीज डोंट ऑन द फैन, पंखा चालू मत कीजिए। टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो या फिर मुझसे बात ना करो। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स अब बात करते हैं किसकी, नेवर की, जहां पर इस नेवर का मतलब होता है क्या, कभी नहीं। और सामने वालों को हम लोग कभी कभी कह देते हैं ना कि ऐसा काम कभी मत करो या फिर ऐसा काम कभी ना करो। तो अगर मैंने आपसे कहा ऐसा काम कभी मत करो या फिर ऐसा काम कभी ना करो, तो कभी मत की अंग्रेजी बनाने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, नेवर। तो अगर मैंने आपसे कहा होता कि झूठ कभी मत बोलो, झूठ कभी मत बोलो, तो अब ये सेंटेंस हमारा कहां से बनने वाला है, नेवर से। अगर मैं आपसे कहता हूं झूठ मत बोलो तो डोंट टेल अ लाई, और अगर मैं आपसे कहूं झूठ कभी मत बोलो तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेवर टेल अ लाई, NEVER, नेवर। उसके बाद क्या करना है यहां पर, टेल फिर अ लाई, तो नेवर लाई भी बोल सकते हैं, उसका मतलब भी होगा झूठ कभी मत बोलो एंड नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहता कि गो देयर तो हिंदी क्या होगी, वहां जाओ। डोंट गो देयर तो हिंदी क्या हो जाएगी, वहां मत जाओ। एंड नेवर गो देयर तो हिंदी क्या निकलने वाली है, कि वहां कभी मत जाओ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्या, ऑलवेज की। तो ऑलवेज का मतलब होता है क्या, सदैव। अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से बोलूं कि सदैव सत्य बोलो, तो सदैव सत्य बोलो या फिर हमेशा सत्य बोलो। ऑलवेज का मतलब यहाँ पर सदैव भी होगा और इसी ऑलवेज का मतलब हमेशा भी होगा। हमेशा लिख के आए, सदैव लिख के आए, दोनों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या रखना होगा, ऑलवेज का यूज करना होगा। तो अब यहाँ पर ऑलवेज को ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या रखना है, ऑलवेज, ये मैंने ऐड कर दिया। अब क्या रखनी मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि क्या थी, बोलना। उसके लिए मुझे क्या रखना होगा, स्पीक। तो सेंटेंस क्या बनने वाला है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, सदैव अपने माता पिता की आज्ञा मानो। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, सदैव अपने बड़ों का सम्मान करो। अब फ्रेंड्स अगली स्टेप की बात करने के पहले ये देखते हैं, देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट यहाँ पर सभी जगह कॉमन था, बस हिंदी को पहचान कर वहां पर हमने डोंट, नेवर या फिर ऑलवेज का यूज किया था। एक सेंटेंस देखिएगा, स्पीक द ट्रूथ सच बोलिए, डोंट स्पीक द ट्रूथ सच मत बोलो, एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ सदैव सत्य बोलो। अब यहाँ पर आपको माइंड करना है कि स्ट्रक्चर नंबर फिफ्थ वन में मैंने क्या लिखा, स्टॉप, और सिक्स वन में क्या लिखा मैंने, स्टार्ट। यहाँ पर स्टॉप का मतलब होता है क्या, बंद कर देना, यानी कोई भी काम है जिसको आप कर रहे हो और मैंने आपसे कहा कि ऐसा काम करना बंद कर दो। जैसे आप गाली दे रहे थे और मैंने आपसे कहा गाली देना बंद करो। आप झूठ बोल रहे थे, मैंने कहा झूठ बोलना बंद करो। आप मुझे घूर रहे थे, मैंने आपसे कहा घूरना बंद करो। तो बात अगर आ जाए कि ऐसा काम करना बंद कर दो, तो उसके लिए मुझे क्या रखना होगा, स्टॉप। और जैसे ही बात आ जाए कि ऐसा काम करना चालू करो, जैसे मैं आपसे कहूँ दौड़ना प्रारंभ करो, लिखना प्रारंभ करो, बोलना प्रारंभ करो, अंग्रेजी बोलना शुरू करो, तो यहाँ पर देखो शुरू करना, प्रारंभ करो, चालू करो, आरंभ करो, इन सब की अंग्रेजी बनाने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, स्टार्ट। तो स्टॉप का मतलब कोई काम है जिसको आप कर रहे हैं उसको करना बंद कीजिए, और स्टार्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई काम है जिसको आपको चालू कर देना है। और यहां पर माइंड कीजिएगा स्टॉप और स्टार्ट दोनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी होगी, आईएनजी फॉर्म। जैसे अगर मैं आपसे कहता कि चलना प्रारंभ करो, ये आपके सामने एक एग्जांपल है, चलना प्रारंभ करो। अब अगर मैंने आपसे कहा चलना प्रारंभ करो, चलना शुरू करो, चलना स्टार्ट करो, चलना चालू करो, बात तो एक ही है ना। अगर प्रारंभ करने की बात है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, स्टार्ट, तो ऐड कर दीजिए START। उसके बाद आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, ING फॉर्म, और चलना को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉक, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, वॉकिंग। अब सेंटेंस बन चुका है स्टार्ट वॉकिंग, चलना प्रारंभ करो, स्टार्ट फाइटिंग लड़ना प्रारंभ करो, स्टार्ट डांसिंग नाचना प्रारंभ करो, स्टार्ट रनिंग दौड़ना प्रारंभ करो। और आप कोई काम कर रहे हो और मुझे कह रहा था कि ऐसा काम करना बंद करो, तो उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए मुझे क्या बोलना होगा, स्टॉप।
तो अगर सेंटेंस होता कि चलना बंद करो, प्रारंभ की जगह बंदा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या लिख देना है, स्टॉप। और सेंटेंस क्या बनेगा, स्टॉप वॉकिंग, हिंदी क्या निकलेगी कि चलना बंद करो, स्टॉप रनिंग दौड़ना बंद करो, स्टॉप डांसिंग नाचना बंद करो, स्टॉप मूविंग हिलना बंद करो, स्टॉप राइटिंग लिखना बंद करो। तो फ्रेंड्स आपको भी इन सारे स्ट्रक्चर से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी अच्छी तरीके से बन जाए। अगले लेक्चर में हम लोग लेट पढ़ेंगे और उसके बाद ये हमारा एक्टिव था, इसका हम लोग पैसिव भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।